हेलो फ्रेंड्स, सलमान खान को जेल में 48 घंटे रहना पड़ा लेकिन उनको छुड़ा लिया गया है। सलमान खान जैसे सितारों के मसीहा बनते हैं, ऐसे लोग जाने केस से बचाने के लिए कितनी लेते हैं ये लोग फेस? कौन कौन है ये लोग जो ऐसे सितारों को या फिर ऐसे बड़े बड़े घराने के लोगों को जो कानूनी पछड़े में फंस जाते हैं उनको छुड़ाने के लिए कितनी देर में और कितने पैसों में ये छुड़ा देते हैं? मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी चैनल पे देखते रहिए टेक एंड सी यूट्यूब चैनल। और फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उसमें क्लिक करें और ये जो घंटे वाला बटन है इसको दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ चाहे काले हिरण के शिकार का मामला हो या फिर हिट एंड रन का सलमान खान कई सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। हाल ही में काले हिरण के शिकार के मामले में सुपरस्टार सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई गई है। हालांकि 48 घंटे जोधपुर सेंट्रल जेल में रहने के बाद उन्हें 50,000 रुपए मात्र के मुच लगे पर जमानत मिल गई है। इस बार उनका केस एडवोकेट अस्तिमल सारस्वत ने लड़ा था। इससे पहले साल 2015 में भी सलमान खान को सजा होने के 3 दिन के अंदर ही अग्रिम जमानत मिल गई थी। ये जमानत दिलवाई थी जाने माने वकील हरीश सालवे ने। बाहर बहस होने लगी थी कि सलमान खान को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिल गई, लेकिन यही तो सालवे जैसे नामी वकीलों का काम होता है। मैं आपको बताऊंगा कि बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के लोग जो बड़े सेलेब होते हैं, नेता होते, किसी कानून बच रहे एक बात में इन्हें कौन बचाता है, वो 5 वकील मैं आपको बताने वाला हूं। ये पहला नंबर का जो वकील है वो आता है राम जेठमलानी। जी हां फ्रेंड्स, का नाम आपने सुना ही होगा। इनकी फीस जो है केस लेने के लिए 40 लाख रुपए लेते हैं, उसके बाद में हर पेशी के लिए 10 से 20 लाख रुपए प्रतिदिन लेते हैं। थोड़ी सी बात कर लेते हैं राम जेठमलानी के। देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद है, पूर्व में देश के कानूनी मंत्री भी रह चुके हैं। ये बहुत अच्छा बैडमिंटन भी खेलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट है हरीश सालवे। जी हां फ्रेंड्स, ये हर पेशी के लिए लेते हैं 4.5 लाख रुपए। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता है, भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल है। लॉन्चिंग के 48 घंटे के भीतर ही ने एप्पल का फोन चाहिए होता है और एप्पल की कोई भी चीज अगर नई लॉन्च हुई है टेक्नोलॉजी के साथ में लेटेस्ट, तो इनको 48 घंटे के भीतर ही चाहिए होता है। ये इनके शौक है, उन्हें पियानो बजाने का भी काफी शौक है, वहीं महंगी गाड़ियां रखने के भी शौकीन हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो है केटीएस तुलसी। जी हां फ्रेंड्स, ये हैं ऐसे वकील हैं जो केस में हर पेशी के लिए 5 लाख रुपए लेते हैं, जरूरतमंद या गरीब लोगों की निशुल्क मदद भी करते हैं। ये इनकी बहुत अच्छी बात है। वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है अभी ये, और उन्हें क्रिकेट देखना बहुत पसंद है और इसके अलावा इन्हें पुरानी कारें रखने का भी शौक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं आर्यमा सुंदरम। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वकील हैं जो हर फैसी के लिए 5 लाख रुपए लेते हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता है, उन्हें गोल्फ खेलने और आर्ट कलेक्शन का शौक है, इसके अलावा सिगार पीना भी उनकी बड़ी पसंद है। इन्हें बीसीसीआई के कई मामलों की वजह से जाना जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कि पीवी राव की, जी हाँ फ्रेंड्स, ये भी एक अच्छे वकील हैं जो कम से कम 5 लाख रुपए लेते हैं हर पेशी के लिए। वरिष्ठ अधिवक्ता है, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इन्हें राहुल गांधी के वकील के तौर पर भी जाना जाता है और ओडी गाड़ियों के शौकीन हैं। तो ये जो 5 वकील थे इनके मैंने आपको बात बता दी है, ये बड़े बड़े केस ही लेते हैं और उनको करके भी दिखाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि ये करके नहीं दिखाते, क्योंकि ये फीस ही उस चीज़ की लेते हैं कि इनको पता होता है कि कैसे किस रास्ते से बंदे को निकाला जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अभी इतना ही, मिलते एक नए वीडियो के साथ में। देखते रहिए टेक एंड सी यूट्यूब चैनल, आपको मिलती रहेगी सारी अपडेट इसी चैनल पर। थैंक यू फ्रेंड्स।